नमस्कार, दृष्टि हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। आगरा गुरुग्राम कैनाल में प्रदूषित पानी डालने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बुधवार को हरियाणा निवास में आगरा गुरुग्राम में प्रदूषित पानी की समस्या को लेकर गठित की गई कमेटी की बैठक में अध्यक्षता करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए मुंबई पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस में हरियाणा प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की गई। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर प्रताप सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व बताया गया। प्रताप स्कूल करकोदा में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में छठी से आठवीं तक के 19 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने भाषण, कविता और नाटक की प्रस्तुति प्रोजेक्ट के माध्यम से दी। विद्यार्थियों ने पोस्टर के माध्यम से भी टेक्नोलॉजी के महत्व को समझाया। विद्यार्थियों ने भविष्य में होने वाली टेक्नोलॉजी व भारतीय स्पेस कार्यक्रम पर अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के दौरान साइंस क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर सुबोध दैया ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को एक विषय न समझते हुए एक दृष्टिकोण के रूप में अपनाना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।